लाइफ में अगर कुछ हेल्दी ग्लूटेन फ्री चिकन खाना हो ना, इस रेसिपी को अंत तक देख लेना। ये देखने में भी अच्छी है, खाने में तो बहुत अच्छी है और बनाने में बहुत आसान है। चिकन के पतले पतले स्ट्रिप्स काटने होंगे, पहले वो सीख लीजिए। चिकन को ब्रेस्ट को ऊपर से दबाते हुए पतला सा एक स्ट्रिप निकाल लीजिए, जितना पतला आप कर सकें। अब इस स्ट्रिप को इतना पतला होना है कि आर पार लाइट दिखे इसके। अब इसमें डालिए थोड़ी सी आपको डालनी होगी ओरिगैनो सीजनिंग, ये घर में आराम से मिल जाती है, आजकल बाज़ारों में मिलती है, वो डाल दीजिए। ये है चिली फ्लेक्स, बाज़ार में चिली फ्लेक्स खूब मिलते हैं, ये ना हो तो कश्मीरी मिर्च थोड़ी बहुत डाल दीजिएगा, काम चल जाएगा। ये थोड़ा सा मैरिनेशन हम कर रहे हैं, देखिए डाला इसमें नमक, नमक डालिए थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि हम एक हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं। और डालिए ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर ताजी पीसी हो, सब्सक्राइब करके डाल दीजिए। ये हमारा एक बेसिक मैरिनेशन है। इसके अंदर हम उबली हुई ब्रोकली, आप गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लपेट देते हैं। तो देखिए एक बहुत बढ़िया सब्ज़ी आ गई जो खाली उबली हुई है, चिकन का ब्रेस्ट आ गया, हार्डली इसमें फैट होता है और हल्की सी सीजनिंग, कोई भी ज़्यादा स्पाइस नहीं है। अब देखिए ये एक गुलदस्ता तरह बन के तैयार हो गया है, जैसे बुके होता है। अब इसमें लगा दीजिए एक टूथपिक, लग रही है ना खूबसूरत, क्या खूबसूरत दिख रही है ये। अब हमें करना क्या होगा, ये हमारे जितने पीसीज आप चाहें तैयार कर लिए। अब हम एक सॉस बनाएंगे इसको खाने के लिए, इसकी मेन चीज़ है सॉस। डालिए चीज़, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए, हल्का सा नमक और गार्लिक, गार्लिक बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दो लाल मिर्च, थोड़ा सा पास्ते, थोड़ा सा टबेस्को सॉस, यानी या ना हो तो कोई भी एक स्पाइसी सॉस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिमेंटो डाल दीजिए या हरी शिमला मिर्च डाल दीजिए, बस इसे मिक्सी में पीसिए। जब ये आधी पिस जाए, इसके अंदर आपको डालनी होगी जरा सा क्रीम। अगर आप क्रीम अवॉइड करना चाहते हैं तो थोड़ा हंग कर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे है। अब ये देखिए सॉस फर्स्ट क्लास बनके तैयार है, बहुत बढ़िया सॉस है, हेल्दी सॉस है। अब जो हमने चिकन के बुकेस बनाए थे, इन्हें हम थोड़ा सा पोच कर लेंगे पानी के अंदर, क्योंकि चिकन को तो पकाना होगा, हालांकि ब्रोकली पहले से पकी हुई थी। बस थोड़ा सा देर पोच करने के बाद मुश्किल से 7 से 8 मिनट में देखिए ये चिकन बनके तैयार है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए बटर के साथ, गार्लिक के साथ सौते कर लेंगे। अगर आप नहीं सौते करना चाहें, आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं, पर ज़रा सा बटर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसे कर लीजिएगा। हल्का सा सौते करने के बाद इसको आपको परोसना है, और कुछ करना ही नहीं है। सॉस आपकी रेडी है, चिकन आपका बन गया है, ब्रोकली का फ्लेवर है इसमें, चेरी टमाटर साथ में दे दिया है, सॉस के साथ खाइए, मज़ा उड़ाइए। मेरा नाम शेफ वी सावंत है और मैं ऐसी सिंपल शानदार रेसिपीज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत कृपा होगी।